हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीके स्टडी प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे कि आपको पता है कि टाइम स्पीड और डिस्टेंस का क्लास चल रहा था और बहुत ही मजे से क्वेश्चन कर रहे थे, तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SSC CGL में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कह रहा है कि किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों में 3:4 का अनुपात है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए और बी को 30 मिनट अधिक लगते हैं। ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं, ठीक है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को जितना समय लगता है वह निम्न है। बेसिक से सॉल्व करेंगे टाइम लगेगा, लेकिन देखिए इसको हम इजी तरीका सॉल्व करते हैं। ए रेशियो बी आपको दिया है 3:4, क्या दिया गया है, चाल दिया है, 3:4 चाल दिया है। और आपको फार्मूला पता है कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। इसका मतलब चाल इनवर्स प्रोपोर्शनल वन अपन समय होता है, ठीक है। मतलब चाल का उल्टा समय होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है चाल का उल्टा, तो इनका समय क्या हो जाएगा, 4:3, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल है। जब इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो उल्टा हो जाएगा। तो ये चाल आपको पता 3:4 और इनका समय पता चल गया 4:3। ये बात तो क्लियर। अब यहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा कह रहा है गंतव्य स्थान पे पहुँचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। ए का समय इतना है और बी का इतना है, दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस 1 यूनिट। और यहाँ पे 1 यूनिट बराबर आपको दिया है 30 मिनट। 1 यूनिट बराबर क्या दिया है, 30 मिनट। क्यों, क्योंकि ए को बी से 30 मिनट अधिक लगता है, तो मतलब 4 माइनस 3, तो 1 यूनिट बराबर 30 मिनट। और इसका मतलब यहाँ पे हो गया गंतव्य स्थान पहुँचने में ए को जितना समय लगा, कितना समय लगा, 4 यूनिट लगता है। 4 यूनिट बराबर 30 × 4 बराबर 120 मिनट, और इसका मतलब हो गया 2 आवर्स, 2 घंटा आ गया। सी आंसर आपको सही है। ये ध्यान में रखिएगा, अगर चाल का अनुपात दे दे समय पूछे, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि चाल के जस्ट विपरीत समय होता है। क्यों, क्योंकि इसका इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। और चाल और दूरी में क्या होता है दोस्तों, तो चाल और दूरी में प्रोपोर्शनल का साइन होता है। चाल जितना होता है उतना दूरी भी होता है, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गया यहाँ तक कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए क्या कह रहा है कि दो रेलगाड़ियों की लंबाई 5:3 के अनुपात में है तथा उनकी चाल 6:5 के अनुपात में है। एक खंभे को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा लंबाई मतलब दूरी मतलब T1/T2 इक्वल दिया है, TD लिख दीजिए और TD2 लिख दीजिए, डिस्टेंस हो गया 5/3, और चाल स्पीड दिया है TS1 और TS2 बराबर 6/5। दूरी और चाल का अनुपात दे दिया है, कह रहा है कि एक खंभे को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा। समय चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी का अनुपात दिया है 5/3, समय चाल का अनुपात दिया है 6/5, इसका इसमें हो जाएगा 25/36 18, 25:18 आपका आंसर सी। समझ में आ गया, कंफर्म हो गया कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना, क्योंकि थोड़ा तबीयत डिस्टर्ब है। आपको समझ में आया होगा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, शेयर करके छोटे से प्रेस का हिस्सा बनिए। और चैनल पर नया वीडियो पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल प्रेस के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब बेल प्रेस के नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो वीडियो आपको मिलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और वीके स्टडी जो 2.0 है उसका आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसको भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, क्योंकि उस पर क्लास स्टार्ट होने वाला है SSC का। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।